हमारे ध्यान में कुछ बात आई थी और मुझे लगता है कि ये जो पुलिस प्रशासन है उनके ध्यान में भी था, तो उसके बारे में मैंने कल माननीय मुख्यमंत्री और DGP जी से चर्चा की है और इसकी जांच भी चल रही है और बाकी चीज़ों को भी वो देख रहे हैं। अलग अलग जो सोशल मीडिया या चैट के माध्यम हैं कि कहाँ से इंस्टिगेट हुआ, क्या चल रहा है, तो मुझे लगता है जल्दी ही इसके ऊपर जो है वो सच्चाई सामने आ जाएगी कि क्या चीज़ है। सर, हिमाचल शांत राज्य है, पहली बार इस तरह की घटना जो है वो सामने आई है, इस तरह की बड़ी बात जो है वो सामने आई है। क्या लग रहा है, कौन लोग इसके पीछे हो सकते हैं और क्या वजह हो सकती है? वजह तो मुझे नहीं लगता क्या होगी, क्योंकि मेरा तो इस तरह का किसी के साथ कोई ना व्यवसायिक है ना कोई अन्य कोई द्वेष है, तो ये चीज़ सामने आ जाएगी कौन लोग हैं, क्या चल रहा है। और हिमाचल जैसी जगह में इस तरह की बात सामने आना, ये बड़े अचंभे की बात है कि इस तरह की चीज़ जो है वो शांतिपूर्वक जो हमारा राज्य है इसके अंदर भी ऐसी चीज़ें होने लगी हैं। विदेश के नंबर से फोन आया था या फोन के माध्यम से ही नहीं, आया? मेरे नंबर पे तो मैं तो आपको पता ही है अननोन कॉल तो उठाता ही नहीं हूँ, वैसे भी बड़ा कम इस्तेमाल करता हूँ टेलीफोन का। तो ये कुछ हमारे साथ जो हैं लोग उनको आया है, उनका नाम लेना ठीक नहीं है, तो जब ये जांच हो जाएगी तो पता चल जाएगा कि क्या मामला है। सर, तो लगने वाला जा रही है कि कांग्रेस के ही लोग हैं जो ऐसी चीजें कर रहे हैं और आप ही के विरुद्ध कर रहे हैं, तो इसको आप जब सुनते हैं तो क्या कहना चाहेंगे इसको? नहीं, ये इस तरह की चीज़ें राजनीति में नहीं होनी चाहिए। ये इससे नीचे गिरा हुआ स्तर और क्या होगा पार्टी के भीतर ही पार्टी के होता भीतर ही अगर ऐसा हो रहा होगा, लेकिन ये जांच का विषय जब सामने आ जाएगा तभी इसके ऊपर ज़्यादा कह सकते हैं। क्या क्या लग रहा सर, क्या लग रहा सर, हालात ठीक नहीं है प्रदेश के अंदर इस तरह की स्थिति की? एक सरकार के ही विधायक को जो है वो इस तरह की धमकी आ रही है, इस तरह की चेतावनी आ रही है, इस तरह का माहौल बना है हिमाचल में? नहीं, ऐसा है कि पुलिस तो सजग है ही और खुद भी सजग रहना होगा। अब हर व्यक्ति के ऊपर तो पुलिस नहीं रख सकते हैं, ये भी एक दिक्कत है, पुलिस बल भी कम है। तो मुझे लगता है कि जो हमारी जांच एजेंसियां हैं वो पता कर लेंगी, इस तरह के हालात तो कहीं भी कभी उत्पन्न हो सकते हैं, तो इसके लिए प्रदेश को तो दोष नहीं दे सकते ना पुलिस प्रशासन को, पर मुझे लगता है कि पता तो चल ही जाएगा, क्योंकि अगर ऐसी घटना यहाँ हो तो यहाँ से तो एस्केप रूट भी हिमाचल से बड़ा मुश्किल होता है निकलना बाहर। सर, सुधीर शर्मा ही निशाना क्यों बनाए जा रहे हैं? लगातार चल रहा है, चाहे राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए या फिर ऐसे मामलों को देखा जाए, क्या वजह क्या लग रही है आपको? मेरे मित्र बहुत हैं, हो सकता है इसीलिए ऐसा हो रहा होगा। सर, राज्यसभा चुनाव है और हर जो है आपके हर्ष महाजन जी जो हैं वो संपर्क साध रहे हैं, तो क्या उन्होंने आपसे भी संपर्क साधा? नहीं, मुझसे कोई ऐसी बात नहीं हुई है, और ये ठीक है, चुनाव होता है और कोई व्यक्ति तो अपना प्रयास करेगा ही, लेकिन सत्तारूढ़ दल के पास पूरा बहुमत है, तो उसके चलते कोई मुझे नहीं लगता कि भाई ऐसी कोई घबराने वाली बात है। सर, लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं तो क्या लगता है कि सुधीर शर्मा लोकसभा चुनाव? नहीं, उस बात में तो मैं पहले ही कह चुका हूं कि जो लोग सत्ता के केंद्र में हैं उनको मौका मिलना चाहिए, और एक विधायक जो चुनाव क्षेत्र तक सीमित हो तो वो बेचारा कहाँ कहाँ जाएगा प्रचार करने, तो ये बड़े बड़े नाम हैं कांगड़ा जिला के अंदर, उनको मौका मिलना चाहिए। सर, बजट सत्र चल रहा है और जब से सत्र चल रहा है तब से अगर बात की जाए तो सुधीर शर्मा और सुजानपुर के विधायक राजेंद्र राणा लगातार चर्चाओं में हैं, और अगर कोई पोस्ट भी डाली जाती है तो उस पर भी जो है कहीं ना कहीं चर्चा शुरू हो जाती है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, अब चर्चा में क्यों आ जाते हैं तो पता नहीं, हम तो अपना काम ही कर रहे हैं, वहाँ विधानसभा में बजट सत्र है उसमें भाग लेने गए हैं, और ये ठीक है कि जो JYT के और बाकी जो बेरोजगार लोग हैं अपने जो हैं वो नियुक्तियों उनकी होनी है उसका इंतजार कर रहे हैं, तो उनके साथ मिलने गए थे, प्रदेश के बच्चे हैं, सड़कों पर हैं, उनके साथ उनका दर्द जो है उसको साझा करना कोई गलत बात नहीं है, तो वो चीज़ भी, और बाकी कुछ बेबाकी से अपनी बात कह देना वो भी चीज़ें कह देते हैं, तो उससे चर्चा बनी रहती है, बनी भी रहनी चाहिए और सच्चाई सामने भी आनी चाहिए, जो चुनाव हुआ नेता क्या सोच रहा है उसके चुनाव क्षेत्र के लोगों को पता लगना चाहिए, बोलेगा ही नहीं तो पता क्या चलेगा। सर, लोकसभा चुनावों से पहले ये सारा माहौल बना है और भी कई जिलों से जो है वो कांग्रेस के कुछ पदाधिकारी रिजाइन कर रहे हैं, इस्तीफा दे रहे हैं, अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, क्या लग रहा है? लोकसभा के चुनाव भी बिल्कुल पास हैं, आत्ममंथन का विषय है पार्टी के लिए और इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए कि क्यों ऐसा हो रहा है, न केवल प्रदेश के अंदर देश के अंदर, इसको गंभीरता से लेना चाहिए, इतनी पुरानी पार्टी है और
कई मतलब इसके साथ तो हर परिवार दूसरे परिवार के लोग जुड़े रहे हैं आज तक, इसी से निकल करके अन्य दल बने हैं। तो ये तो पार्टी को आत्ममंथन करना चाहिए कि इस तरह के हालात क्यों बन रहे हैं, और अगर पार्टी के अंदर कुछ भी बदलाव करने हो वो भी करने चाहिए। और मेरा तो ये मानना है कि कोई भी संघर्ष हो, पार्टी को, इतनी बड़ी पार्टी है पूरे देश में, वो संघर्ष अकेले करना चाहिए, तभी जा करके आगे जो है एक मजबूत विपक्ष कांग्रेस दे पाएगी। व्यवस्था परिवर्तन वाली सरकार को जो है अपने ही विधायक और जो पार्टी के अन्य संगठनों के नेता है वो कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, लगता नहीं इसका नुकसान जो है लोकसभा चुनाव में पार्टी को उठाना पड़ेगा? नहीं, वो लोकसभा का चुनाव है, उसका प्रदेश के चुनाव से तो कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अब जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो अपनी बात तो कहेंगे ही, क्योंकि जो उनके मतदाता हैं उनका भी उनके ऊपर दबाव है, उनकी उम्मीदों पर भी खरा उतरना है, उनके काम भी करने हैं, उसमें जब कठिनाई आएगी तो व्यक्ति अपनी बात रखेगा, और रखनी भी चाहिए ताकि उसका जल्दी समाधान हो, कहीं इतना ज़्यादा अंदर अंदर गुबार पैदा ना हो जाए कि कोई ज्वालामुखी फट जाए। तो क्या लगता है कि अपने ही विधायकों की आवाज़ को कांग्रेस की व्यवस्था परिवर्तन वाली सरकार दबा रही है? नहीं, दबा कौन रहा है, सब बेबाकी से बात रख रहे हैं ताकि जल्दी समाधान हो चीज़ों का।